गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। मेरा नाम है रोहित और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल इंग्लिश विद रोहित। इस चैनल पर हम आपके लिए लाते हैं मोटिवेशनल, एजुकेशनल एंड इंग्लिश लर्निंग वीडियोस। फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पर बिल्कुल नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें और कमेंट करके हमें ये बताना बिल्कुल न भूलें कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो आइए शुरुआत करते हैं। गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। मेरा नाम है रोहित और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल इंग्लिश विद रोहित। ठीक है, आज हम सीखने वाले हैं एक्टिव टू पैसिव। अब एक्टिव टू पैसिव की हमने और भी वीडियोस बनाई है लेकिन वो हिंदी टू इंग्लिश थी। तो आज हम सीखने वाले हैं हाउ टू मेक पैसिव वॉइस फ्रॉम एक्टिव वॉइस इंग्लिश टू इंग्लिश। ठीक है, तो आइए सीखते हैं। देखिए, एक्टिव टू पैसिव बनाने के लिए अगर आपके सामने एक सेंटेंस दिया गया है एक्टिव वॉइस का, ही राइट्स अ लेटर, तो आपको सबसे पहले तो क्या करना है, सबसे पहले आपको पैसिव वॉइस के रूल्स एंड रेगुलेशंस पता होनी चाहिए कि पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म यूज होती है, पैसिव वॉइस में बाय यूज होता है। ठीक है, और आपको टेंस पहचानना आना चाहिए। अगर आपको एक्टिव से पैसिव करना है सेंटेंस को, इंग्लिश के वाक्य को, तो आपको इंग्लिश में टेंस पहचानना जरूर आना चाहिए, अदरवाइज आप एक्टिव से पैसिव नहीं कर सकते। ठीक है, तो इस वीडियो से पहले आपको टेंसेस की नॉलेज होनी जरूरी है। अगर आपको टेंसेस की नॉलेज नहीं है तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है। पहले आप टेंस सीखें, उसके बाद आप पैसिव वॉइस सीखें। ठीक है, हमारा सेंटेंस है ही राइट्स अ लेटर। ही राइट्स अ लेटर का मतलब हुआ वह पत्र लिखता है। ये एक एक्टिव वॉइस है, आगे ब्रैकेट में लिखा हुआ है एक्टिव वॉइस। तो जब भी आप किसी एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं तो आपको क्या करना होता है, आपको एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को और एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को हाईलाइट करना है। सबसे पहले आपको छांटना है कि सब्जेक्ट क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है। छांटने के बाद आपको क्या करना है, जो आपका ऑब्जेक्ट था उसको सब्जेक्ट की जगह देनी है पैसिव बनाते हुए। यहां पर हमारा ऑब्जेक्ट है अ लेटर, अ लेटर को अब हमने सब्जेक्ट की जगह दी और जो आपका सब्जेक्ट था वो बाद में जाकर आपका बन जाएगा ऑब्जेक्ट। इतना ध्यान रखें कि एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है आपको। उसके अलावा क्या करना है, आपको टेंस को ट्रेस आउट करना है कि ये टेंस कौन सा है। ये प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस है और प्रेजेंट इनडेफिनिट का पैसिव वॉइस का रूल इज एम आर और वर्ब की थर्ड फॉर्म से बनता है। ये आपको पता होना चाहिए कि जो प्रेजेंट इनडेफिनिट का पैसिव वॉइस है अगर उसे हमें बनाना है तो इज एम आर के साथ थर्ड फॉर्म का यूज करना है। वही हमने यहाँ पर किया। देखिए, अ लेटर हमारा सब्जेक्ट आया, उसके बाद अ लेटर सिंगुलर नाउन है तो हमने इज का यूज किया, उसके बाद राइट की थर्ड फॉर्म रिटर्न हो गई और ही इधर आकर बाय हिम हो गया। तो ऐसे हम एक्टिव से पैसिव वॉइस करते हैं, यानी कि आपका जो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट है और जो ऑब्जेक्ट है उसको इंटरचेंज करना है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है और उसके बाद देखना हमें कि हम किस टेंस में बात करें, उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब पैसिव वॉइस की जो यूज होती है वो और प्लस थर्ड फॉर्म का यूज करना है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। शी इज टीचिंग इंग्लिश, ये हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है, ये एक्टिव वॉइस है क्योंकि शी यहाँ पर काम कर रही है पढ़ाने का। शी इज टीचिंग इंग्लिश, तो हमें क्या करना है, जो ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट बनाना है, तो इंग्लिश हमारा सब्जेक्ट बन गया। उसके बाद प्रेजेंट कंटिन्यूस में इज एम आर के साथ बीइंग का यूज होता है, ये हमें पता होना चाहिए पैसिव वॉइस में। तो जब हम इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो इंग्लिश इज बीइंग टॉट, बीइंग के बाद थर्ड फॉर्म का यूज करा हमने, टीचिंग जो है थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, इंग्लिश इज बीइंग टॉट और शी जो है यहाँ पर आकर हो गया बाय हर, इंग्लिश इज बीइंग टॉट बाय हर, उसके द्वारा इंग्लिश पढ़ाई जा रही है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। शी हैज सोल्ड हर हाउस, शी हैज सोल्ड हर हाउस, ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। यहाँ पर भी हमें सेम करना है, जो ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट बनाना है, जो सब्जेक्ट है उसको ऑब्जेक्ट बनाना है और ये देखना है कि कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट। तो प्रेजेंट परफेक्ट में हमें हैज या हैव बीन का यूज करना होता है पैसिव वॉइस में और उसके बाद थर्ड फॉर्म का यूज करना होता है। तो यहाँ पर हर हाउस हमारा ऑब्जेक्ट है, इसको इधर लाएंगे तो ये हमारा सब्जेक्ट बन गया। उसके बाद हमने देखा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है तो हर हाउस सिंगुलर नाउन है तो हमने हैज बीन का यूज किया। उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब सोल्ड और यहाँ पर शी जो है इधर आकर बाय हर में कन्वर्ट हो गया। तो एक्टिव से पैसिव बनाते समय किन बातों का ध्यान रखेंगे, आप जो आपका एक्टिव वॉइस है उसके सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे और टेंस का पता लगा के कौन सा टेंस है उसकी हेल्पिंग वर्ब के साथ पैसिव वॉइस का यूज करेंगे।
तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा हाउ। तो दोस्तों सब्सक्राइब करें, शेयर करें इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी इस वीडियो से फायदा उठा सकें, और नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी, ताकि हम और मेहनत करें और बेटर वीडियोस आपके लिए लाते रहें। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में नई एनर्जी और नई जोश के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।